कृषि से जुड़े आप सभी किसान भाई बहनों का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है। तो चलिए, हमारा समय हो चला है कृषि समाचार का, तो हम आपको सीधा लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर और दिलवाते हैं कृषि से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए वर्षा शुरू होने से पहले लगाएं टीके। मत्स्य प्रशिक्षण एवं रिवराइन फिश फार्मिंग के लिए आवेदन आमंत्रित। कोहड़ा के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं अर्का सूर्यमुखी। अब समाचार विस्तार से। पशुपालक भाई, वर्षा शुरू होने से पहले पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है, जिससे पशुओं की मृत्यु हो जाती है और आर्थिक क्षति भी होती है। पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए निश्चित रूप से समय पर टीका लगवा दें, ताकि आपका पशु सुरक्षित रहे। टीकाकरण के लिए अपने प्रखंड के नजदीकी चिकित्सालय या प्रखंड पशुपालन कार्यालय में पशु चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। जिले में टीकाकरण की औषधि उपलब्ध है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मत्स्य संभाग द्वारा रेरिंग तालाब निर्माण, मत्स्य प्रशिक्षण एवं रिवराइन फिश फार्मिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन 20 अप्रैल तक जिला मत्स्य पदाधिकारी रामगढ़ के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस मौसम में पशुओं को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए बाहर के साथ साथ आवास प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके लिए पशुओं के आवास को हवादार बनाएं, खिड़कियों की व्यवस्था हो जिसमें स्वच्छ हवा आ जा सके। गर्मी के मौसम में पशुओं के आवास प्रबंधन पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आवास स्वच्छ और हवादार होना चाहिए। बंद आवास में प्रदूषण और गर्मी बढ़ती है, जिससे पशु बीमार पड़ सकते हैं। कभी देखा जाता है गर्मियों में बंद कमरे में पशुओं को रखा जाता है, जिससे कि वहाँ पे वातावरण स्वच्छ हवा नहीं होता है, वातावरण दूषित हो जाता है, तो इससे भी कुछ बीमारियाँ होने की संभावना होती है। इसलिए जहाँ पे आवास होते हैं उसमें खिड़की दरवाजे अवश्य होना चाहिए कि स्वच्छ जो हवा है उसका आदान प्रदान हो और हमारे पशुओं को स्वच्छ हवा मिले, जिससे जो है उनको उनमें जो गर्मी का जो प्रकोप होता है उससे हम लोग बचा सकते हैं। कोहड़ा की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। कतार से कतार 2.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 3 मीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में CO1, CO2, अर्का चंदन, अर्का सूर्यमुखी लगाएं। किसान भाइयों, कोहड़ा की खेती बलुई दोमट से लेकर मटियार दोमट मिट्टी में करें। खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं, साथ ही 5 से 7 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, शुष्क कृषि भूमि में गहरी बुवाई के लिए डी फ्रो सीडर नामक कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 डेसीमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में कीट नियंत्रण के बारे में। जो किसान भाई टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं, वे विभिन्न कीटों के हमले को रोकने के लिए टमाटर के खेत में पक्षियों को बैठने के लिए अड्डा यानी आश्रय बनाएं। पक्षी कीटों को खाते हैं, जिससे फसल कीटों से सुरक्षित रहता है। इसके लिए प्रति 10 एकड़ खेत पर एक पक्षी आश्रय स्थल जरूर बनाएं। और अब एक नज़र आज के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ ली है। जी हाँ, आपने मौसम के मिजाज के बारे में जाना, मंडी के भाव के बारे में जाना और तो और कृषि से जुड़े बहुत सारी तकनीकों के बारे में भी जानकारियाँ ले ली। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। छोटे से विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का फिर से स्वागत है और आज हम बातें करेंगे रामगढ़ गोला के सरलाकला ग्राम के किसानों के बारे में। जी हाँ, दलहन की फसल में ये पूरा गांव जुटा हुआ है, तो आइए इसके बारे में बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम देखते हैं इस वृत्त चित्र से। हमारा राज्य झारखंड अभी भी दलहनी फसलों के उत्पादन में काफी पीछे है। हमारे किसान भाई उचित जानकारी के अभाव में अभी तक दलहनी फसलों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं। वे आज भी दाल प्रायः खरीद कर खाते हैं। अपने खेतों में दलहनी नहीं उगाने के कारण एक तरफ तो उनके खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी ओर ये इससे होने वाले लाभ से भी वंचित रह जाते हैं। अतः किसानों को दलहनी फसलों में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने योजनाएं चला रखी है। इसके अंतर्गत किसानों को दलहन का मुफ्त बीज देकर उन्हें इस दिशा में खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में केवीके की मदद से झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले के सरलाकला गांव के किसानों को मूंग की खेती करने के लिए हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। यहां के किसान जो पहले ज्यादातर सब्जियों की खेती करते थे, वे अब अपनी खेती में मूंग को भी फसल चक्र में शामिल कर न सिर्फ आर्थिक लाभ ले रहे हैं बल्कि अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य की भी रक्षा कर रहे हैं। हम लोगों ने जब प्रारंभ में शुरुआत करी पिछली बार हमने जब ये केंद्र सरकार की योजना आई कि दलहन उत्पादन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो उस क्षेत्र में हमने सोचा कि क्योंकि ये जागरूक किसान हैं, इनको ही अगर हम लोग अग्रणी रूप से लेंगे तो इस क्षेत्र में ये महती भूमिका निभा सकते हैं। तो हम लोगों ने जब यहाँ बैठक की तो बहुत सारे किसान बैठक में तो आए, लेकिन दलहनी खेती के नाम पर कहने लगे कि सर, इसमें हमको जो हमारी सब्जी है उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि सब्जी का रेट बाज़ार में ज़्यादा मिलता है। तो हम लोगों ने इनको समझाया कि निश्चित रूप से सब्जी की
कीमत आपको बाज़ार में मिलती है ज़्यादा, लेकिन सब्जी के साथ साथ अगर आप दलहनी का भी रेट देखेंगे तो उसकी भी बाज़ार में बहुत रेट मिलता है आज के तारीख में। और साथ ही साथ सब्जियों से जो यहाँ की जो मिट्टी है इसकी उर्वरता घटती जा रही है, क्योंकि बहुत अधिक सब्जी लेने से भी वो जो पोषक तत्वों की कमी होती जा रही थी, अगर आप उसके साथ में अगर आप उनमें बदलाव करते हुए अगर आप दलहनी फसलों की खेती करेंगे तो आपको आमदनी तो होगी ही होगी, साथ के साथ जो हमारी मिट्टी की संरचना है वो भी सुधरेगी, क्योंकि दलहनी फसल की खेती करने से हमारी जो मिट्टी में सुधार आता है। जब केवीके ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया तो वहाँ के वैज्ञानिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहाँ के किसान बीज तो ले लेते हैं लेकिन उसे लगाने में वे संकोच करते थे। केवीके के प्रयासों से वे मूंग की खेती करने को राजी हुए और आज आलम यह है कि गांव की 20% आबादी मूंग की खेती की ओर अग्रसर है। देखिए, शुरुआती दशा में जब हम लोग इनको बीज दिए तो बहुत सारे लोग किसान बीज तो ले लिए लेकिन उसको लगाने के लिए इच्छुक नहीं देखे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इस मूंग से भी दाल हो सकती है, क्योंकि मूंग यहाँ लगाते ही नहीं थे। मूंग यहाँ के लिए नई फसल है, यहाँ लगाते थे बरसात में उड़द लगाया या फिर अरहर लगाया या फिर कुल्थी लगाया, यही तीन दलहनी फसलों का मुख्य रूप से लोग लगाते थे। किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी जानकारी होनी नितांत आवश्यक है। चूंकि मूंग की खेती यहाँ के किसानों के लिए नई बात है, इसलिए केवीके की तरफ से समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें जागरूक करने के लिए गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता रहा है। किसानों को ये जो क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन है तो और भी अन्य विभाग भी चला रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है किसानों को जानकारी हो जाती है कि ये योजनाएं चल रही हैं। तो हमारा मूल रूप किसानों को जानकारी जागरूक करना भी है कि भाई कहीं से भी आप जानकारी लें और मूंग का खेती करें। हाँ, तकनीकी जानकारी की अगर बात होती है तो हम किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र बुलाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उनके खेत पर भी हम लोग भ्रमण करते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं, इस गाँव में भी हम लोग गोष्ठियाँ करेंगे और प्रक्षेत्र दिवस का भी आयोजन करते हैं। उसी कड़ी में हमारा ये जोर रहता है कि किसानों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जागरूक करें और खेती के लिए प्रोत्साहित करें। जो हमारी युवा पीढ़ी है जो खेती से हटती जा रही है उसके लिए एक आय का हम एक जरिया हम लोग उनको सौंपें। इसमें कोई शक नहीं कि केवीके के निरंतर प्रयासों से ही यहाँ इस गाँव में दलहन की खेती संभव हो पाई है। पहले यहाँ के किसान दलहन की खेती थोड़ी बहुत करते भी थे तो उससे उतना उत्पादन नहीं ले पाते थे। केवीके के प्रयासों से उन्होंने मूंग की खेती सीखी और आज उससे अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। 2015 से अपना प्रयास कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें पहले हम तो गांव-गांव जाकर के सर्वे किए कि कहां पर क्या क्या खेती हो रही है। विशेष करके जहां पर हम खड़े हैं गोला में, यहां सब्जी की खेती होती है। यहां जब हम आए तो दलहनी फसलों की लोग खेती करते थे, बहुत कम मात्रा में करते थे। राहर की फसल करते थे तो थोड़ा बहुत टाँड की ज़मीन में करते थे, जहाँ पर ना तो बीज उपचार करते थे, वो ऐसे घर का ही बीज जैसे तैसे पाते थे, मतलब बीज बो देते थे, उसके बाद उसकी देखभाल भी नहीं कर पाते थे, उत्पादन उनका बहुत कम होता था। तो हमने सर्वे किया कि यहाँ पर हम लोग दलहन की फसलों का अच्छा प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं और अच्छा सा मतलब फसल भी यहाँ ले सकते हैं। यहाँ के किसान बताते हैं कि पहले उन्हें समय पर बीज उपलब्ध नहीं हो पाता था, इसकी वजह से खेती में बुआई भी नहीं हो पाती थी। केवीके के बीज तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होने के बाद उनकी खेती पहले से बेहतर हो गई है, उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और स्वभावतः इससे उनकी आमदनी भी बढ़ी है और घर की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। अब सुविधा हो रहा है कि मांडू कृषि वैज्ञानिक केंद्र से हम लोग को बीज मिल रहा है, मूंग का, दलहन का, तिलहन का, सरसों का और सभी का हम लोग का सुविधा वहाँ से मिल रहा है, तो हम लोग अधिक लगा रहे हैं। तो जब अधिक लगा रहे हैं और उत्पादन भी हो रहा होगा, ज़्यादा उपज भी हो रहा होगा, हाँ तो कुछ सुधार आया है घर परिवार में, आमदनी में? घर परिवार में भी सुधार आया है और आमदनी में भी सुधार आया है सर। यहाँ के अन्य किसान बताते हैं कि पहले उन्हें मूंग की खेती की जानकारी नहीं थी, इनके गांव में प्रायः अरहर की खेती होती थी। केवीके की मदद से उन्हें इसकी जानकारी हुई और इनके लिए ये खेती संभव हो पाया। जी, ये बताइए कि अभी हम देख रहे हैं कि लोग गांव में मूंग भी लगाए हैं और भी दलहन लगाते होंगे, तो पहले से लगा रहे हैं या इधर हाल के दिनों में ये शुरू किया? नहीं सर, एक दो वर्ष पहले से ही लगा रहे हैं। अच्छा, एक दो वर्ष पहले? उसके पहले नहीं लगाते थे। क्यों? चूँकि हम लोग का दाल के बारे में, इस मूंग के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। अच्छा, कि किस समय लगाया जाता है, किस समय किया जाता है, इस सब के बारे में नहीं जानकारी था।
मूंग के लगाने के बारे में जानकारी ही नहीं था? नहीं था सर, नहीं था। इधर कोई लगाई भी नहीं कर रहा था सर। अच्छा, किसी को जानकारी नहीं? किसी को जानकारी नहीं था। हमारे गांव में तो प्राय करके अरहर का खेती होता था, है ना। दलहन खेती में से अरहर होता था, यही सब हो, बाकी कोई नहीं। दलहन कैसे कैसे पता चला आपको कि मतलब, और लगाने का शुरुआत कहाँ से हुआ? लगाने का शुरुआत तो हम लोग कैसे आपको पता कृषि विज्ञान केंद्र के जो जो है लगा सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के जो आदमी आए और हम लोग को जानकारी दिए कि मूंग लगाओ, गर्मी का खेती है ना, थोड़ा कम पानी लगता है, बस इसी तरह से जानकारी हुआ। तो जब शुरुआत, ये बताते हैं कि फसलों में किसी भी तरह की समस्या आने पर वो केवीके की मदद लेते हैं, चाहे जानकारी की बात हो या फिर किसी भी प्रकार की दवा की छिड़काव की बात हो। तो कुछ जो समस्या आता होगा, क्योंकि ये भी तो पौधा है, तमाम तरह का बीमारी भी होगा, हर तरह का चीज़ होगा, तो उसमें कहाँ आप लोग संपर्क करते हैं और कैसे मदद लेते हैं? देखिए, जब जहाँ तक संभव है हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र से लेते हैं, उन लोग का फोन नंबर भी रखे हैं, उन लोग से मदद मांगते हैं कि कौन सा दवा लगेगा, किस टाइम किस का कमी हो रहा है, जैसे पत्ता उत्ता सिकुड़ रहा है कि कीड़ा लग रहा है, उस समय से थोड़ा सा उन लोग से जानकारी ले लेते हैं। अच्छा, सरला कला के किसानों को केवीके का सहयोग तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ उन्हें आत्मा जैसी संस्थान का भी काफी सहयोग मिला है। आत्मा भी यहाँ के किसानों को मुफ्त में बीज प्रदान करती है। हमारे इस क्षेत्र में सरकारी संस्थाएं दो हैं, जैसे केवीके जो मांडू सर जो रामगढ़ का, और सर आत्मा, तो दोनों जगह से सर हम लोगों को बीज उपलब्ध होता है। और सर हम लोग को बीज जो भी हम लोग क्षेत्र, इस बार हम लोग को आत्मा से भी बीज मिला था, हमको तो जानकारी तो आत्मा से जो बीज मिला सर हम लोग, मैंने 3 बैग मिला था। और अगर सर हम लोग तीनों बैग को सर किसानों के बीच में हम 50 किसानों को बांट दिए, अपने लगाएं सर 10 केजी, बाकी किसानों के बीच में बांटे। और उसको आज सर हर खेत में हमको लगा था 16 डिसमिल, 20 डिसमिल, 25 डिसमिल करके प्रत्येक किसान लगाए हुए हैं। यहाँ के कई किसानों ने अपने खेतों में अन्य फसलों के साथ साथ मूंग लगाकर इतना उत्पादन किया है कि उन्हें सालों भर दाल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे जहाँ उनके पैसों की बचत हो रही है, साथ ही साथ मूंग को फसल चक्र में शामिल करने के कारण उनकी मिट्टी का स्वास्थ्य भी पहले की तुलना में बेहतर हो गया है। तो हमने उस समय देखा सर कि पानी का स्रोत के चलते मेरा मूंग 70 केजी आया, और 70 केजी में सर आज साल भर हम दाल खा रहे हैं। और यदि वही दाल यदि हम नहीं लगाते तो शायद हमको सर बाजार से खरीदना पड़ता, और खरीद के सर उसमें हमारा करीब लगभग सर 7,000 रुपये का दाल तो हो गया, यदि उसमें तो 7,000 रुपये का बचत हुआ। बाकी रहा सर जमीन का स्वास्थ्य जो है सर, आज हमारा स्वास्थ्य भी जमीन का दलहन लगाने के बाद, जब ये राघव सर बता रहे थे कि चक्रीय फसल चक्र, यदि हमारा सर जिसमें टमाटर लगाते हैं या तो मिर्चा लगाते हैं या तो बैंगन लगा रहे हैं, तो क्या होता है कि एक फसल लगाने के बाद फिर पुनः दूसरे बार जो फसल लगाते हैं तो पौधा मरने की शिकायत आती है। और सर ये जो चक्र चुनाव जो करते हैं हम लोग दलहन का, जो फसल एक बार लेते हैं हम लोग और केवीके के द्वारा जानकारी हुआ, तो फिर अभी दलहन की खेती ले रहे हैं तो फिर हमारा टमाटर हो या मिर्चा हो ये मरने का शिकायत नहीं आता है। इसलिए कहीं ना कहीं मेरा स्वास्थ्य का भी, जमीन का भी, और केवीके के द्वारा सर इस गाँव में सभी किसानों का सोयल कार्ड सभी किसानों को भी मिला, और सभी का जमीन का भी टेस्ट हुआ कि हमारी जमीन में क्या कमियां हैं। आज इस गांव में मूंग की खेती की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हर किसान मूंग की खेती करने को लालायित है। इस तरह की खेती से किसानों में काफी उम्मीद जगी है। आज सर उन लोगों ने बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही अच्छे से लगाया है, और फसल भी अच्छा है सर सभी किसानों का। और मैं चाहूँगा सर कि इसी तरह हमारा केवीके के द्वारा हम सारे किसानों को इसी तरह नई नई तकनीकी की जानकारी मिलता रहे, ताकि हमारा किसान भी आगे आवे। इस तरह से जहां यहां के किसानों को मूंग की खेती से न सिर्फ आर्थिक लाभ हुआ है बल्कि उनमें जागरूकता भी आई है। वे खेती किसानी से जुड़ी अन्य योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं, खेती में पानी के महत्व को भी समझ रहे हैं, दलहन फसलों के बीज के भंडारण को भी सोचने लगे हैं। पहले जो किसान दलहन स्वयं के लिए भी उत्पादन नहीं कर पाते थे, आज वे उसे बाजार में अच्छी कीमतों में बेच भी रहे हैं। निश्चित तौर पर यह सरला कला गांव में परिवर्तन का एक सूचक है। जो इनकी टाँड जमीन पड़ी हुई रहती थी, बेकार पड़ी हुई रहती थी, उसमें इन्होंने कुल्थी का भी खेती किया। कुल्थी में अच्छा इन्होंने आमदनी प्राप्त किया, अरहर में आमदनी प्राप्त किया। उसके बाद हम लोगों ने इन्हें गर्मा में मूंग की खेती के बारे में बताया,
मूंग की खेती ये 2 साल पहले बिल्कुल एक भी नहीं करते थे, एक भी किसान यहाँ का मूंग का खेती के बारे में जानता ही नहीं था। लेकिन जब हम लोगों के संपर्क में, हमारे कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में यहाँ के किसान आए, वहाँ पर इन्होंने ट्रेनिंग, कई प्रकार की ट्रेनिंग लिया, तो इनको हम लोग समझाए कि आप लोग के यहाँ जहाँ पानी की थोड़ी बहुत भी सुविधा है वहाँ मूंग की खेती आप आसानी से कर सकते हैं और यह आपके अतिरिक्त आमदनी का साधन होगा। और मूंग की खेती करने के लिए इन्होंने पूछा, साहब हमारे यहाँ तो पानी की सुविधा बहुत कम है, हम 1 या 2 ही पानी दे सकते हैं। लेकिन हमने बताया इनको पानी तो कम ही लगेगा, 2 पानी आपको देना पड़ेगा गर्मी के फसल में मूँग के लिए, क्योंकि हम जो आपको वैरायटी देंगे, इस वैरायटी को, इस प्रजाति को बहुत कम पानी चाहिए, कम से कम 2 पानी भी आप एक जो है 25 दिन बाद फिर दूसरा जो है 40 दिन में दूसरा सिंचाई कर देंगे तो ये फसल आपका हो जाएगा। कृषि में संभावनाएं बेशुमार है, नई नई तकनीक तथा उत्तम बीज आदि के प्रयोग से इसमें नई क्रांति लाई जा सकती है। सरला कला गांव की जमीन वही है, वातावरण भी वही है, परंतु फसल चक्र में मूंग के समावेश ने पूरा परिवेश ही बदल कर रख दिया है। अब यहाँ के किसान दलहन के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हो गए हैं, वरन इसके भंडारण और बाजार की प्रक्रियाओं की तैयारियों में भी लगे हैं। इस गांव में प्रकाश की किरणें अब सर्वत्र फैलती दिख रही है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे 2 बच्चा पेट में ही खराब हो चुका है, कितने मुश्किल से आया हमारा ये राजा बेटा। अपनी जान लगा देंगे लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम बहुत उदास बैठे थे। हाँ, 2-3 साल से उपज घट गई है। हम कृषि वैज्ञानिक से मिलके आते हैं, इसे संभालना। अब नहीं लड़खड़ाऊंगी, तुम फसल संभालो, मैं नस्ल संभालती हूँ। मिट्टी से ही पैदा होता है सब कुछ, हम जो मिट्टी को देंगे वही तो मिट्टी हमें वापस करेगी। रासायनिक खाद और रासायनिक दवा के बेतहाशा व्यवहार से मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। मिट्टी बीमार तो उपज बीमार, उपज बीमार तो संभव है उपज खाने वाले भी बीमार। वैसे तुम क्या देते हो? यूरिया। अब नीम कोटेड यूरिया दो, इसमें फायदा ही फायदा है। मिट्टी उपज और उपज खाने वाले हम सबकी सेहत का रखवाला नीम कोटेड यूरिया। माँ बाबा आती हूँ ऑफिस से। बाय बेटा। बाय। नस्ल बचाइए, फसल बचाइए, नीम कोटेड यूरिया अपनाइए। तो देखा ना किसान भाई बहनों, किस तरह दलहन की खेती में ये पूरा गांव जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इन सभी गांव के किसानों ने दलहन की फसलें लगाई और इसमें अपनी खूब मेहनत की। मेहनत के साथ साथ फसल अच्छी हुई और आय का एक बहुत अच्छा स्रोत भी बन गया। आय का स्रोत अच्छा होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है। तो किसान भाई बहनों, जानकारियाँ कभी छोटी नहीं होती और ये छोटी छोटी जानकारी ही हमें आगे का लक्ष्य दिखाती है। तो चलिए, अब हमारा समय हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले हम आपको लिए चलते हैं IMD पुणे मौसम की जानकारी दिलाने। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश साफ रहेगा, हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जो किसान भाई गर्मा मूंग की बुआई कर चुके हैं और मिट्टी में यदि नमी की कमी हो तो हल्की सिंचाई अवश्य करें। सिंचाई के पहले निकाई गुड़ाई अवश्य करें ताकि मिट्टी में नमी ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रह सके। आम एवं लीची के पेड़ों में फूल एवं फल आने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। लीची के छोटे छोटे फलों को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से करें। तो किसान भाई बहनों, हम लौट आए हैं IMD पुणे से, जहां आपने मौसम के बारे में जानकारियां ले ली है और ये भी जाना है कि इस मौसम में हमें कौन सी फसल लगानी चाहिए और उन फसलों के ऊपर क्या क्या ध्यान देना है।
तो चलिए अब आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए। लेकिन विदा लेने से पहले मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि खेती से जुड़ी किसी भी तरह की कोई समस्या या समाधान हो तो हमें हमारे इस पते पर जरूर लिख भेजे। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाई बहनों, अब आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए। जोहार।